मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं? ठीक है सर। और सब टास्क बन गया था? यस सर। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट में हम ये बीमाएं क्या है, क्या पढ़ेंगे? बीमाएं क्या है, फिर पढ़ेंगे विमीय सूत्र किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे विमीय समीकरण क्या है। और बीमाएं क्या है, ऐसे बीमा निकालने आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं कि लंबाई का बीमा किस तरह, लेंथ का अंग्रेजी से कैपिटल एल लिया जाता है, द्रव्यमान के लिए बीमा, द्रव्यमान के लिए बीमीय सूत्र प्रयोग हम लोग करते हैं, मास चूंकि इंग्लिश है इसलिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार पहले पुराना याद दिलाता आपको, 7 मूल भौतिक राशि का, जैसे कि द्रव्यमान, इसका इंग्लिश क्या बताए थे? मास। और इसके लिए बीमीय संकेत या बीमीय सूत्र क्या प्रयोग किए थे? कैपिटल एम। भाई याद तो किए हैं। लंबाई का इंग्लिश क्या बताए थे? लेंथ। इसके लिए बीमीय सूत्र क्या प्रयोग किए थे? कैपिटल एल। समय के लिए क्या इंग्लिश बताए थे? टाइम। और बीमीय सूत्र कैपिटल टी। तापमान, टेम्परेचर, इसके लिए बीमीय सूत्र क्या प्रयोग किए थे? कैपिटल के या थीटा। कैपिटल के या थीटा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए बीमीय सूत्र क्या लगाए थे? ए या आई। ज्यादा इसका प्रयोग करना है, कम इसका, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर मिलेगा आपको किताबों में इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा इसका संख्या ज्यादा। ठीक ना, विद्युत धारा के बाद ज्योति, तीव्रता, लुमिनस, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और इसके लिए क्या बीमीय सूत्र बताए थे? सी डी। फिर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, और इसके लिए क्या प्रयोग हम लोग किए थे? मोल, एम ओ एल, किए थे ना। इस प्रकार ये 7 मूल भौतिक राशि और 7 का जो मात्रक है उसको कहेंगे साल मूल मात्रक। 7 भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे उसको क्या कहेंगे? मूल मात्रक। और ये जो बीमीय सूत्र है इसको हम मूल बीमीय सूत्र कह सकते हैं, मूल राशियों के बीमीय सूत्र को मूल बीमीय सूत्र कहेंगे। और इसी मूल बीमीय सूत्र से फिर व्युत्पन्न बीमीय सूत्र निकलेगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि का जो बीमीय सूत्र निकलेगा। ठीक ना, मूल बीमीय सूत्र से निकलेगा, इसी 7 से दुनिया का सारा भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकल जाएगा। ठीक ना, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है बीमीय सूत्र क्या है, ये तो मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, आप जान रहे हैं कैसे बीमीय सूत्र निकाला जाता है। मेरा प्रश्न है कि बीमा किसे कहते हैं, आज का प्रश्न क्या है? बीमा किसे कहते हैं? बीमा डायमेंशंस, डायमेंशन, देखो बीमा पढ़ना है हम लोगों को। डायमेंशंस किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन होता है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, क्या चीज प्राप्त करने के लिए? मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए गए घात को बीमा कहते हैं। मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद फिर बताऊंगा, इसको मिटा दो। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले
घात को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, विमा कहते हैं। अब मैं समझा रहा हूं, देखिएगा क्या यहां है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, क्या चीज प्राप्त करने के लिए? मात्रक प्राप्त करने के लिए। मूल मात्रक ऑफ, यहां मूल मात्रक फिर शब्द आ गया। हाँ सर। किसी भौतिक राशि में दुनिया का कोई भी भौतिक राशि ले ले। हाँ सर। और उसमें है क्या कि उसको प्राप्त करने के लिए जो मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घात को विमा कहते हैं। उदाहरण से इसको समझ सकते हैं हम लोग, जैसे हम वेग ले लेते हैं, एक राशि क्या लेते हैं? वेग। जैसे मैं उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं वेग, वेग, वेग बराबर सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है ना। अब विस्थापन के लिए, विस्थापन एक क्या है? फीता से हाँ, इसके लिए जो ये तो मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन जिसको हम फीता से मापते हैं, जिसका फीता से मापन क्या आता है, उसके लिए विमीय सूत्र क्या लगाते हैं? एल। तो विस्थापन को हम किससे मापेंगे? फीता से, तो एल हो जाएगा। और समय के लिए टी, कैपिटल टी। अब देखिए क्या हुआ कि वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। यहाँ किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, इससे हम मात्रक भी प्राप्त करते हैं। एल के लिए मात्रक क्या आता है? मीटर। समय के लिए सेकेंड माइनस वन। ये हो गया हमारा क्या चीज? मात्रक। लेकिन इस मात्रक को प्राप्त करने के लिए क्या किए हम? मूल मात्रकों पर, मूल मात्रक कौन है इसमें? लंबाई। और मूल मात्रक कौन है? समय। इस पर लगाए जाने वाले घात, यानी कि लंबाई पर क्या घात लगा दिए? एक। समय पर कितना लगा दिया? तो यही विमा कहलाएगा। किसका? तो लंबाई का विमा कहलाएगा प्लस एक, और समय का विमा कहलाएगा। यहां मूल मात्रक कौन कौन है? मूल मात्रक है लंबाई। लंबाई का विमा कितना हो जाएगा? एक। एक हो जाएगा। लंबाई का विमा कितना हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन है, डेफिनेशन में है, मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात, घात को मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को हाँ विमा कहते हैं। फिर यहां समय, मूल मात्रक में कौन है? समय। समय का विमा क्या है? माइनस वन। माइनस वन, यही विमा कहलाए। एक और उदाहरण लेते हैं बल का, जैसे बल, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, पता है ना। अब द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कैपिटल एम। त्वरण के लिए क्या लगाते हैं? तो त्वरण को भी हम वेग में परिवर्तन क्या लिखते हैं? त्वरण के बदले में क्या लिखते हैं? वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब द्रव्यमान के लिए क्या हम विमीय सूत्र लगाएंगे? कैपिटल एम। फिर वेग में परिवर्तन जो है क्या है? वो एक्चुअल में विस्थापन बटे समय है। विस्थापन बटे समय ही है ना। तो विस्थापन बटे समय, तो उसमें भी और टूटता, विस्थापन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एल। और बटे समय के लिए टी हो जाएगा, और एक समय और लगा हुआ है टी ना। हाँ सर। मतलब सबको हम क्या करते हैं? मात्रक प्राप्त करना है हमको बल का, जबकि हम चले जाते हैं पहले मूल मात्रक में। कहाँ चले गए? इसको द्रव्यमान में ले गए, फिर त्वरण से वेग में, वेग से फिर विस्थापन बटे समय में, डबल समय नीचे में हो गया ना। तो प्राप्त किसका करना है जबकि? बल का। और हम घात कहाँ लगाते हैं? जाके मूल मात्रक पर। किस पर लगाते हैं? मूल मात्रक पर। तो मूल मात्रक पर कितना लग जाएगा? एम एक हो गया, एल एक हो गया, टी माइनस टू हो गया। तो मूल मात्रकों में कितने मात्रक आ गए? मूल मात्रकों की संख्या सात है, लेकिन हर एक भौतिक राशि में सात तो नहीं मिलेगा। किसी में दो मिलेगा, किसी में तीन मिलेगा, किसी में चार मिलेगा। बात में तो यहाँ बल जैसे एक भौतिक राशि है, इसमें कितने मूल मात्रक मिला? तीन। कौन कौन मिला? द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो यहाँ इसी से सही मात्रक भी निकाल लेंगे। ये द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड माइनस टू। तो यहां द्रव्यमान का विमा कितना हुआ? एक। द्रव्यमान की विमा कितना है? एक। लंबाई की विमा कितना है? एक। समय की विमा कितना हो गया? माइनस टू। ये हो गया विमा क्या है, समझ में आया? कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को विमा कहते हैं।
इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण लेके हम लोग कर सकते हैं, ऊर्जा का ले लेंगे, शक्ति का ले लेंगे ना, त्वरण का ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। और नीचे में क्या है? समय है। विस्थापन के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? एल। समय के लिए टी। टी अर्थात एल वाई टी पर स्क्वायर, इसको लिखेंगे एल टी पर माइनस टू। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने विमीय सूत्र के समय आपको बताया था कि एम जीरो एल टी माइनस टू। हम यहाँ द्रव्यमान का विमा कितना कहेंगे? लंबाई का विमा, समय का विमा, ये विमा है। हाँ, द्रव्यमान का जीरो, एल का एक। ये तो मैं ऐसे करके बताया कि यहाँ एक है ना, बुझे? अच्छा ठीक है, द्रव्यमान का विमा जीरो, लंबाई का विमा एक, और समय का विमा जीरो। विमा समझ गए? अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र क्या है, ठीक ना, और विमीय समीकरण क्या है। विमा समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विमीय सूत्र क्या है और विमीय समीकरण क्या है। तो एक टॉपिक पे ले लेते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? फॉर्मूला में एक चीज जान लीजिए, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला का बहुवचन होता है क्या, जानते हैं? फॉर्मूला में ई खाली लगा देना, फॉर्मूले। क्या होता है? फॉर्मूले, एफ आर एम यू एल ए, फॉर्मूला होता है ना, इसमें खाली ई कर दो। हाँ ठीक ना, फॉर्मूलाज नहीं होता, एस नहीं लगेगा। चलो, विमीय सूत्र किसे कहते हैं? टॉपिक हमारा क्या है? विमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो है क्या कि किसी भी भौतिक राशि का संबंध, किसी भी भौतिक राशि का संबंध मूल राशियों के साथ बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का संबंध मूल राशियों के साथ बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। तो उत्तर लिखते हैं, ऐसे लिखना है, विमीय सूत्र, हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी विमीय सूत्र किसे कहते हैं? इसका मैं डेफिनेशन बताया कि किसी भी भौतिक राशि का संबंध, क्या चीज? संबंध मूल भौतिक राशियों के साथ बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र, हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते है। देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर परिभाषा है। क्या है परिभाषा? क्या है परिभाषा? कितना सुंदर है, क्या है? किसी भी भौतिक राशि का संबंध, क्या चीज? संबंध मूल भौतिक राशियों, मूल तो सात है, मूल सात है, और भौतिक राशि दुनिया में कितना है तो समय बताएगा, अभी पढ़ते चलिए, ठीक ना। भौतिक राशि का संबंध मूल भौतिक राशियों के साथ, और मूल भौतिक राशि कितना है हमेशा? सात। उन सातों के साथ, या उन सातों में से किसी दो के साथ, सातों में से किसी चार के साथ जो संबंध बताने वाला सूत्र होगा उसी को हम विमीय सूत्र कहेंगे। जैसे
जैसे बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए ये बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण जो है ये भी एक संबंध है, भौतिक राशि का संबंध है, लेकिन मूल भौतिक राशियों के साथ नहीं है। तो मूल के लिए हम लोग जो बल बराबर ये लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, तो ये एम एल टी माइनस टू क्या बताता है कि द्रव्यमान एक तो है ना, और मैंने द्रव्यमान पर एक घात है और लंबाई पर एक घात है, समय पर दो घात है, और ये तीनों मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान, लंबाई, समय क्या है, मूल भौतिक राशि। तो बल का संबंध मूल भौतिक राशि के साथ हुआ। तो इसी सूत्र को कहेंगे हम विमीय सूत्र, इस सूत्र को। और जब इसको हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं अर्थात एफ बराबर ऐसे लिख देंगे तब ये हो जाएगा विमीय समीकरण। आगे का टॉपिक है विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि का संबंध मूल भौतिक राशि के साथ बताने वाले सूत्र को जब हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो उसे विमीय समीकरण कहते हैं। अर्थात ये विमीय समीकरण हो गया। और इतना सा से हम खाली संबंध ज्ञात कर रहे हैं कि ये है विमीय सूत्र, और एफ बराबर इतना लिख देंगे तो हो जाएगा विमीय समीकरण, कोई दिक्कत। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कि कार्य ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या ले लेंगे, कार्य। कार्य कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट ना। ये बल, ये भी तो सूत्र है लेकिन मूल भौतिक राशि के साथ इसका संबंध नहीं हुआ ना। तो मूल के साथ संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल, बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का है इसको फिर लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू। इसका अर्थ ये हुआ कि एम एल टू टी माइनस टू का अर्थ हुआ कि द्रव्यमान में एक घात है कार्य में, कार्य में फिर लंबाई में दो घात है, फिर कार्य में समय में माइनस दो घात है। अर्थात मूल भौतिक राशि के साथ ये संबंध कार्य का बता रहा है, इसलिए ये जो है क्या हो गया, ये हो जाएगा विमीय सूत्र। लेकिन इसी सूत्र को समीकरण के रूप में लिख देंगे W बराबर एम एल टू टी माइनस टू, तो इसको कह देंगे विमीय समीकरण, इसका हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा। विमीय समीकरण दूसरा आ जाएगा W बराबर एम एल टू टी माइनस टू, मतलब कि किसी भी भौतिक राशि का मूल भौतिक राशि के साथ जो संबंध होता है उसको जब हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिख देंगे किसी भौतिक राशि का संबंध संबंध मूल भौतिक राशियों के साथ ना, किसी भौतिक राशि का संबंध मूल भौतिक राशि के साथ बताने वाले सूत्र को, बताने वाले समीकरण को, समीकरण को, समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत हुआ।